अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र के कस्बा रहरा दोरारा में झोला छाप डॉक्टर ने ली गर्भवती महिला की जान। झोला छाप डॉक्टरों का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। प्रसव के दौरान एक और गर्भवती महिला की गई जान, स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारी मौन। बता दें कि झोला छाप डॉक्टर ने गर्भवती महिला की प्रसव के दौरान जान ले ली। परिजनों ने जमकर हंगामा किया। 12 अगस्त को भी इसी झोला छाप डॉक्टर के यहां पर एक महिला की जान गई थी, मगर स्वास्थ्य विभाग की इसमें बड़ी लापरवाही सामने आ रही है और ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है और झोला छाप डॉक्टरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। पूरा मामला थाना आदमपुर के कस्बा रहरा के दोरारा में भारत नर्सिंग होम का है, जहां डॉक्टर ने महिला को भर्ती किया और उसके पति से कहा कि 3 बजे आ जाना, ऐसे ही समय पर समय देते रहे और आखिर में गर्भवती महिला की मौत हो गई। इसमें डॉक्टर की अधिक लापरवाही सामने आ चुकी है और अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जिला अमरोहा की खास रिपोर्ट। तुम्हारा कलवा पिताजी का नाम राम, गाँव मेहरा। क्या हुआ तुम्हारे साथ? हम जो हमारी घर वाले की तबीयत खराब थी, कब डिलीवरी होने वाली? 6 तारीख की शाम को। हाँ, तो हम अस्पताल में रह गए रात को 12 बजे। कौन से में? सरकारी में। अच्छा, सरकारी अस्पताल में रह गए। वहाँ डॉक्टर ने बोली 3 बजे हो गए, 3 बजे आना तुम लेके। अच्छा, हम 3 बजे लेके पहुँचे। हाँ, वहाँ डॉक्टर ने बोली 1.5 घंटे ही रहने देना। अच्छा, 4 बजे तक खोले, 4 बजे तक 5 बजे तक। हाँ, हम बोले ठीक है साहब। हमने वहाँ 5 बजे तक रन दी। डॉक्टर ने बोले हमारे बस की बात नहीं है, सर ले जाओ कहीं। हम ले गए। ले जाने के बाद में हम बोले दो रहा दिखा ले 1 मिनट। ये डॉक्टर किसके यहाँ? ये रेरई वाला जो है, इसका नाम विपिन सैनी। विपिन सैनी, हाँ, इसका तो पहले सील हो गया है। तो हमने इसे दिखाई। हमने इससे पूछी, बोला नॉर्मल डिलीवरी होगी, इस बात से चिंता मत करो। हमने कि ठीक है साहब, नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो हम जो हम उसने बाहर बैठा दिए। अच्छा, कोई भी किसी लेडीज को भी अंदर नहीं जान दिया। अच्छा, और दोनों जने, एक डॉक्टर ने कम उम्र की है उसके पास, कोई ऐसी 22 साल की। अच्छा, लड़की होगी? हाँ, लड़की है। हाँ, और ये डॉक्टर उसके सीने पर रख कर ये पैर और हाथ में गद्दा दबा रहा खूब बुरे तरह से। अच्छा, और जो लेडीज हमारे साथ को मना कर रही थी, बोले तुम बाहर जाओ। इसने डिलीवरी कर दी। करने के बाद में नोट आके बता दिया इसने मुझे। ऑपरेशन हुआ? ऑपरेशन हुआ। नोट आके किस चीज में लगे ऐसे ये पूछा जा। मतलब बड़ा ऑपरेशन का छोटा? मुझसे नहीं कहा, छोटा ऑपरेशन ही है ये। अच्छा, नोट आके। हाँ, और नोट आके बताने के बाद में फिर मुझसे बोला, जी ये तुम जो तुम्हारी घरवाली की मैं छुट्टी कर दूंगा 3 बजे। अच्छा, बोला ठीक है साहब, 3 बजे छुट्टी कर दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये टेंशन वाली बात ऐसी बताती रही है मुझसे। फिर बोला एड्रेस फोन कराओ, घरवाली की तबीयत खराब, पेट में दर्द है। हम बोले कहाँ कराओ? बोले यहाँ तुम्हारा मन करा वहाँ कराओ। मैं कहने लगा गमा करा लूँ। हाँ चलो गमा करा लो। संग बैठ कर गाड़ी में, फिर इसके दिमाग में क्या ही, बोला गाड़ी वापस बैक करो। कहाँ से? वहीं से दोबारा से बैक करी गाड़ी। अच्छा, फिर बोला नहीं, वो हसनपुर लेकर चलो, इसे ऐसा डेंगू बुखार भी बन सकता है। अच्छा, काला पीलिया भी बन सकता है। अच्छा, नहीं सर, इसके गुर्दे भी काम नहीं कर सकते। हम बोले ठीक है साहब, हम तो सीधे साधे आदमी, गरीब आदमी, हम लेकर सकते जाए संग। अच्छा, कहाँ पहुँचे फिर? हसनपुर पहुँचे। इनने अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड में बोला ऐसा यहीं भर्ती कर। अच्छा, किसके यहाँ? वो जो खुदे पर अस्पताल है, ये नहीं पता कौन सा हो। अच्छा, वो बोले ठीक है, वहाँ जो अस्पताल में भर्ती कर दिया। वो प्राइवेट होगा हसनपुर? सर वो प्राइवेट अस्पताल था। हाँ, तो वहाँ से मैं बोला नहीं सही बात करता, बोला नहीं यहाँ काम नहीं चलने का, सर मेरठ ले। अच्छा, हमारे बड़े भैया आएंगे, वो बोले साले भाग जाए यहाँ से, तू इसे मानने के चक्कर में लगा पड़ा। इनने 5000 रुपये मुझसे ले लिए पहले, फिर 1000 रुपये हसनपुर में ले लिए। 6000 पहुँच गए। 6000 पहुँच गए। फिर वहाँ डॉक्टर साहब बोला 3000 जी साहब, मेरा हुआ है ये मरीज। हाँ, ये मेरा मरीज है। हुँ. वो बोले ठीक है साहब, वहाँ से इतनी कहते ही भाग गया, फिर नहीं रुका। और कितने बार खत्म हुई? अस्पताल देखाओ बंद रहा था, अस्पताल रोज दिलों लोग भेजा करा, मैं बंद रही है इसका अस्पताल। नहीं, वहाँ ले गए मेरठ को। हाँ, आसमान अस्पताल। अच्छा, उसमें साहब वो बोला डॉक्टर रिपोर्ट देखते घने, इसके छाती पे कूदा है बुरे तरह से, जोर दिया इसके ये गुर्दे काम नहीं करते। अच्छा, डॉक्टर ने बहुत बुरे तरह से, नोट आंखों का कौन सा सवाल है। हाँ, अनु देखो तुम्हारा नसीब है, लौट का जाएगा। तो कुछ भी काम नहीं कर रहा था, पैसा रुक गया था। अच्छा, इसके यहीं से रुकाया पैसा। अच्छा, पैसा सब चीज इसके यहीं से। तो खत्म हुई जाके होगी? हाँ, वहाँ जाके एक रात्रि एक दिन दूसरे दिन।
लाश कब लाई गांव में? लाश रात 1 बजे लाया। रात 1 बजे डॉक्टर के खिलाफ एफ आई आर दी? अभी नहीं। दोगे? देंगे डॉक्टर साहब। ठीक है।